नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं चैन न्यूज। अरब सागर के ऊपर सक्रिय मानसून के मजबूत होने से मुंबई में भारी बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में लगातार बारिश की संभावना को देखते हुए मुंबई, उत्तरी कोंकण और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम का अनुमान लगाने वाली एजेंसियों का कहना है कि एक पखवाड़े के अंतराल पर मुंबई में भारी बारिश का यह दूसरा दौर होगा। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर ने मुंबई वासियों को 4 और 5 अगस्त को बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इसके बाद 6 अगस्त से बारिश की तीव्रता घटनी शुरू हो जाएगी। बता दें कि रात भर हुई भारी बारिश के कारण मुंबई के कुछ हिस्सों से भूस्खलन भी हुआ है। कांदिवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सुबह 6 बजे एक चट्टान गिर गई। वहां से गुजर रही कार चट्टान की चपेट में आ गई, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। चट्टान गिरने के बाद बोरीवली से अंधेरी की तरफ का मार्ग बंद कर दिया गया है। साथ ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगे कई इलेक्ट्रिक पोल चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में भी पानी भर चुका है। लोअर परेल, दादर, हिंदमाता, किंग सर्कल, सायन, चेंबूर, अंधेरी, सांता क्रूज और कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। पिछले 10 घंटों में यहां 230 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। ब्रह्म मुंबई नगर निगम यानी कि BMC के अनुसार मुंबई में हो रही भारी बारिश का असर यातायात पर भी पड़ रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मराठा कॉलोनी के पास सांता क्रूज ईस्ट में लगातार बारिश के कारण पानी भर गया है। मुंबई में लगातार वर्षा के बाद कांदिवली क्षेत्र में लोगों के घरों के अंदर बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। बारिश के कारण पश्चिमी लाइन पूरी तरह से बंद हो गई। कुर्ला और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच हर्बल लाइन बंद की गई है। सेंट्रल लाइन धीमी गति से चल रही है। सड़कों पर अत्यधिक जलभराव की समस्या को देखते हुए मुंबई शहर और उपनगरों के विभिन्न हिस्सों में बसों के 8 रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं। एक्सप्रेस ट्रेनों को पुनर्निर्धारित किया जा रहा है। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में मंगलवार व बुधवार को भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज। हमारी न्यूज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।